गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग। वेलकम टू द मडी शो। तो आज हम असेंबल करने जा रहे हैं अपना सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 50,000 टेलीस्कोप को। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से इसको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्राइपॉड है। तो इसको इस तरीके से खींचने से ओपन होता है, और यहाँ पर आप जो लॉक देख सकते, तो इसको आप इस तरीके से ओपन करने से इसका जो ये लेग है ये पूरी तरह खुल जाता है। आप और इस लॉक को इस तरीके से बंद करने से ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाता है। तो इसको भी इस तरीके से करने से ये हमारा सारे जो लेग होते हैं ये अच्छे तरीके से ओपन हो जाते हैं, और टाइटली ये सही से खड़ा हो पाता है। ये आप देख सकते हैं। और इसका जो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप स्क्रू देख सकते हैं, इसको इस तरीके से घुमाकर आप इसको ओपन कर लीजिए। कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अपना जो एक्सेसरी ट्रे होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का कड़ा है, अभी देख सकते हैं। इसको आपको यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं इसके ऊपर सेट कर कर रखना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको आपका नॉट जो होता है उसको टाइट कर लेना है। और आपका जो ये टेलीस्कोप होता है इसका यहाँ पर जो एक और नॉट होता है इसको आप इस तरीके से लूज कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसको आप इस तरीके से लूज कर दीजिए। तो इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ लगा देना है इसको, और इसका जो ये नॉट है उसको यहाँ पर टाइट कर, ये जो नॉट होता है इसको यहाँ पर आपको लगा देना है। कुछ इस तरीके से आपको लगा देने के बाद आपका जो टेलीस्कोप है वो फ्लेक्सिबल रहेगा। और आप कुछ आप चाहें तो इसको इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इधर उधर इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। और अगर अभी आप इसको टाइट इस तरीके से कर लेंगे तो ये एक जगह पर स्टेबल रहेगा, और इसको थोड़ा लूज करने के बाद ये आपका इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारा डायगनल है, इसको यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से आप इसको ओपन कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है। तो इसको हम टेलीस्कोप में लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इस तरीके का स्क्रू दे रखा है। इसको आपको क्या करना है कि दोनों साइड को आपको इस तरीके से लूज करना है पहले, उसके बाद आपका जो डायगनल होता है उसको इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है, और फिर इस जो स्क्रू होता है इसको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि हमारा डायगनल गिरे ना। तो ये हमारा फाइंडोस्कोप है, इसको हम अभी हमारे टेलीस्कोप में लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो स्क्रू लगा रखा है, इसको आपको क्या करना है कि लूज कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अच्छे तरीके से इसको पूरा लूज कर देना है, मतलब इसको पूरा खोल देना है आपको। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपका फाइंडोस्कोप इस तरीके से रखकर आगे की तरफ कर देना है। उसके बाद आपको आपका जो ये स्क्रू है इसको आपको टाइट कर देना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आपको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, और इस वाले स्क्रू को भी आपको यहाँ पर टाइट कर देना है। तो ये सब हमारा आईपीसी है, 20mm आईपीस, 2.5mm आईपीस, और ये 4mm आईपीस, और ये 1.5x का बार्लो लेंस, और इरेक्टिंग आईपीस भी है, और ये 3x का बार्लो लेंस है। तो सबसे पहले हम ये 20mm आईपीस लगा कर देखते हैं। तो सबसे पहले इस जो कैप होता है इसको हटा लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू होता है उसको आप लूज कर दीजिए। उसके बाद आपका जो ये आईपीस होता है उसको यहाँ पर लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। ये अच्छे से फिट आ जाएगा, और इसके बाद ये स्क्रू को टाइट कर दीजिए। आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए ये एक फोकसिंग नोब है, आप इसको इस तरीके से घुमाकर या फिर आपके अनुसार इसको एडजस्ट कर आप क्लियरली उस चीज़ को देख सकते हैं। ये हमारा जो 3x का बार्लो लेंस है, हम ये बार्लो लेंस को भी कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जो दोनों स्क्रू है इसको लूज कर देना है, और आपका जो डायगनल है इसको खोल देना है। उसके बाद आपका जो बार्लो लेंस का ये कवर होता है इसको भी खोल लेना है दोनों साइड का, और उसके बाद इस बार्लो लेंस को यहाँ पर लगा देना है, और ये स्क्रू को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद ये जो बार्लो लेंस का यहाँ पर एक और स्क्रू होता है आप देख सकते हैं ये, तो उसको भी लूज करने के बाद आपका जो डायगनल होता है उसको भी यहाँ पर आपको लगा देना है।
और लगाने देने के बाद आप फोकसिंग नॉब से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं क्लियर कर कर कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका स्पेस में। और आप जब टेलीस्कोप से देखें तो ये जो हमारा यहाँ पर एक कवर होता है इसको खोलकर आप ज़रूर देखें, और ये फाइंडोस्कोप का भी यहाँ पर कवर जो लगा रखे हैं, और कुछ लोग इसको नहीं हटाते और बोलते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हटा कर फिर देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि टेलीस्कोप को कैसे असेंबल करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।